तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपसे ये बात करने वाले हैं कि सब फॉर सब और व्यू फॉर व्यू, किसमें है ज़्यादा फ़ायदा और किसमें है ज़्यादा नुकसान। तो इस टॉपिक पर हम बात करेंगे, जैसा कि आपने थंबनेल पर देख ही लिया होगा। तो दोस्तों यार, हर व्यक्ति आता है यूट्यूब पर पैसा कमाने के लिए और यूट्यूब पर काफ़ी अच्छा अपना नाम कमाने के लिए और ग्रो होने के लिए। लेकिन सबसे पहले आपको यूट्यूब से तभी पैसा कमा पाएंगे जब आपके चैनल पर 4000 घंटे का वॉच टाइम और 1000 सब्सक्राइबर कम्प्लीट होंगे तब। तो ये कंप्लीट करने के लिए बहुत मेहनत लगती है, बहुत ही टाइम लग जाता है। लेकिन यार, सबसे मेहनत तो लगती है वॉच टाइम में, वॉच टाइम कंप्लीट करने में बहुत ही ज़्यादा मेहनत लग जाती है। तो वॉच टाइम जब आपका तभी कंप्लीट होगा जब आपकी या तो कोई वीडियो काफ़ी अच्छी रैंक कर जाएगी या कोई वीडियो वायरल हो जाएगी। सब्सक्राइब की बात करें तो सब्सक्राइबर आप कर सकते हैं 1 मंथ या 2 मंथ के अंदर। तो यहाँ पर हम ये बात करेंगे कि सब फॉर सब और व्यू फॉर व्यू में फ़ायदा है, किससे नुकसान है, इसमें क्या फ़ायदा है, तो वही आज हम बात करने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देखते रहना, और आप हमारे चैनल पर अगर नए आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि मैं हमेशा ऐसे ही अपने चैनल पर वीडियो लाता रहता हूं। तो क्यों ना आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, फ़ायदा है व्यू फॉर व्यू में। देखो, सब फॉर सब की सबसे पहले हम बात करते हैं, हर एक यूट्यूबर करता है, जितना न्यू क्रिएटर है। मैं भी करता हूँ, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, मैं भी करता हूँ। तो यहाँ पर हम बात करते हैं कि फ़ायदा किसमें है। देखो, पहले हम बात करते हैं सब फॉर सब की। यार, सब फॉर सब से कोई बेनिफिट नहीं है। मान लीजिए कि आप एक के कंप्लीट कर ले जाते हैं अपने सब्सक्राइबर, लेकिन जब आप अपनी वीडियो को पब्लिश करते हैं यूट्यूब पर, तो वहाँ पर व्यूज आपको देखने को मिलते हैं 10 या 20। तो इतने आपको व्यूज देखने को मिलते हैं तो वहाँ पर उससे कोई आपको बेनिफिट नहीं है। यहाँ पर हम व्यू फॉर व्यू की बात करें तो मान लीजिए कि आप 1000 लोगों से अगर व्यू फॉर व्यू करते हैं तो आपका वॉच टाइम कितना हो जाएगा, ये आपको अंदाज़ा नहीं है। अगर व्यू फॉर व्यू करते हैं तो आपका वॉच टाइम काफ़ी इंक्रीज होने लगेगा और काफ़ी कंप्लीट हो जाएगा। ऐसे ही आप अगर देखिए, वॉच टाइम तो बहुत ही मेहनत से यार होता है। अगर वॉच टाइम के लिए अगर आप सब फॉर सब की बजाय व्यू फॉर व्यू करें तो बहुत ही जल्द आपके चैनल में ग्रोथ देखने को मिलेगी। मैं 100% भाई बोल रहा हूँ। ये छोटे यूट्यूबर्स की टिप्स को आप एक बार ज़रूर फॉलो करके देखना, बहुत ही फ़ायदा इससे मिलेगा। तो मेरे कहने से यार, मतलब हिसाब से है कि आप सब फॉर सब बंद करें और व्यू फॉर व्यू करें, देखना यार ज़रूर, इससे आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी अपने चैनल के अंदर। तो यार, मेरे हिसाब से व्यू फॉर व्यू बहुत ही अच्छा है यार, एक बार ज़रूर इसको फॉलो करना, ज़रूर आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी। तो सब फॉर सब से यार कोई बेनिफिट नहीं है, आप व्यू फॉर व्यू ज़रूर करना, क्योंकि इससे आपको ये फ़ायदा है कि मान लीजिए आप व्यू फॉर व्यू करते हैं, आपके चैनल पर जल्द वॉच टाइम कंप्लीट होता है, और जब वॉच टाइम आपके चैनल पर होगा तो काफ़ी अच्छा आपका चैनल ग्रो होगा और ऑटोमेटिकली आपको यूट्यूब की तरफ से सब्सक्राइबर और व्यूज मिलेंगे। तो वॉच टाइम सबसे ज़्यादा यार है इम्पॉर्टेंट यूट्यूब चैनल के लिए, सब्सक्राइब से कोई यार ज़्यादा बेनिफिट नहीं है। मान लीजिए आपके वीडियो को यूट्यूब प्रमोट भी नहीं कर रहा है, तब भी पर आपके सब्सक्राइबर आ रहे हैं, तो यूट्यूब समझता है कि यार ये कोई बंदा जो है 420 से अपने सब्सक्राइबर गेन कर रहा है। तो इसलिए यार, सब फॉर सब से मुझे ज़्यादा कोई बेनिफिट नहीं दिखता है, इससे बल्कि नुकसान ही है ना। इससे ना तो चैनल ग्रो होता है ना तो कुछ होता है, ठीक है। तो व्यू फॉर व्यू सबसे सही है यूट्यूब पर। यह ट्रिक आपको किसी ने नहीं बताई होगी, एक बार अगर इसको फॉलो करते हैं तो आपको यार ज़रूर ग्रोथ देखने को मिलेगी, 100% बोल रहा हूँ। तो आज से यार, इस वीडियो को देखकर आप लोग व्यू फॉर व्यू शुरू कर देना और सब फॉर सब बंद कर देना, 100% आप ग्रो होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे और 1-2 मंथ के बाद आपको ज़रूर अपने चैनल के अंदर ग्रोथ देखने को मिलेगी। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। तो अगर आपको ये टिप्स यार पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर कर देना, और आप हमारे चैनल पर नए हों तो एक बार सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। तो नमस्कार, चलते हैं यार अगले वीडियो में आपको।